नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम एजुकेशन केंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छी खबर। पशुधन सहायकों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत बड़ी भर्ती आई है, बहुत ही अच्छी भर्ती है, तो आज की इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करने हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे कि आप पल पल की न्यूज़ के लिए अपडेट बने रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि पशुधन सहायक भर्ती 2020 पशुधन सहायकों के लिए बड़ी भर्ती। हाँ दोस्तों, पशुधन सहायकों के जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर सामने आई है। जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगा, एजुकेशन क्वालिफाई क्या है, सिलेबस क्या है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आपको इसके अंदर एक एक बातें क्लियर कराई जाएगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और इसका सिलेबस क्या रहेगा, सारी बातें आपको वीडियो के अंदर बताई जाएगी। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो जो भर्ती है DSSB के द्वारा निकाली गई है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गया, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 7/1/2020 है, यानी 7 जनवरी 2020 से लास्ट डेट इसकी 6 फरवरी 2020 रखी गई है दोस्तों। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कई पदों के ऊपर भर्ती निकली है, लेकिन जो पशुधन सहायकों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो भर्ती है, आप देख पा रहे हो पोस्ट कोड 04/20 वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की भर्ती है, और नेम ऑफ डिपार्टमेंट एनिमल हजबेंड्री यूनिटी इन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रुप सी की यह भर्ती है। ग्रेड पे इसके अंदर 2400 रखा गया है, और इसके अंदर दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो 78 पदों के ऊपर वैकेंसी है। इसके अंदर EWS के 7 पद है, और जनरल के 28, OBC के 26, और SC के 10, ST के 7 पद है, और PWD के 5, एक्स सर्विसमैन के कोई पद नहीं है, स्पोर्ट्स के भी कोई भी पद नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी भर्ती है, 78 पदों के ऊपर भर्ती निकाली गई है। पोस्ट कोड आपका 04/20 है, वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टरों के पदों पर भर्ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो आप देख पा रहे हो पोस्ट कोड 04/20, तो दोस्तों आपके सामने पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एनिमल हाउसबेंड्री यूनिटी ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और नंबर ऑफ वैकेंसी तो आपको पहले ही बताया गया था, टोटल वैकेंसी 78 पदों पर है, और ये आपके कैटेगरी वाइज पोस्टों का बंटवारा किया गया है, और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 10+2 पास इन एनी स्ट्रीम इन साइंस कॉमर्स आर्ट, यानी कोई भी विद्यार्थी जो 10+2 यानी सीनियर पास विद्यार्थी है, साइंस का हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का विद्यार्थी हो, किसी भी बोर्ड से हो, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर जो सेकंड क्वालिफिकेशन रखी गई हो 2 इयर्स डिप्लोमा इन वेटनरी एनिमल हाउसबेंड्री साइंस फॉर ए रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, तो इसके अंदर 2 वर्ष का जो विद्यार्थी है डिप्लोमा कर रखे हैं पशुधन सहायक का, AHDP का जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक और बात, एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अंदर जो विद्यार्थी जिनके पास 1 साल का अनुभव है, साथ में जो ये योग्यता थी 2 वर्ष का डिप्लोमा और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसका जो पे स्केल है दोस्तों, वो पे स्केल 5200 से 2020, ग्रेड पे 2400 रखा गया है, और ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। और इसके अंदर दोस्तों इम्पोर्टेंट एक और बात, एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर, और एज रिलेटेड जो रूल के हिसाब से आपकी जो छूट होती है वो दी गई है। तो दोस्तों ये इसकी
सिलेबस और एज लिमिट की बात है, और अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो पोस्ट कोड आपकी 04/20, एग्जाम कोड ITT 2 आवर्स का समय है, टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 200 और टोट ग्रेड ग्रांड टोटल 200। तो इसके अंदर जो सेक्शन ए है उसके अंदर जनरल एवरेज से यानी आपके GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके अतिरिक्त जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक्स नंबरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स यानी प्रत्येक पार्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20-20 नंबरों के। तो इस प्रकार जो पहला सेक्शन होगा आपका वो 100 नंबरों का होगा, और इसके अंदर 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि 5 पार्ट है और 20 क्वेश्चन एक पार्ट से, तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन। और सेकंड जो आपका सेक्शन होगा उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी टाइप में चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कॉन्सिडर्ड एज पर द क्वालिफिकेशन परसिस्टेंट ऑफ द पोस्ट। तो इसके अंदर जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके अंदर से 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था इसका सिलेबस, काफ़ी अच्छी भर्ती है दोस्तों, काफ़ी ही अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रेड पे सैलरी सारी है। जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से पशुधन सहायक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए DSSB के अंदर काफ़ी अच्छी भर्ती निकली है। तो दोस्तों आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलिप करें, जो विद्यार्थी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है वो इसके अंदर फॉर्म फिलिप कर सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि जो अदर स्टेट के OBC के जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर भी फॉर्म फिलिप कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, वो OBC कोटे से फॉर्म फिलिप ना करें, क्योंकि अगर OBC कोटे से आप फॉर्म फिलिप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप जनरल कोटे से फॉर्म फिलिप कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर फॉर्म फिलिप करें। और इसका जो नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और आप इसका फॉर्म फिलिप कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट सुझाव है जो ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही पल पल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।